नमस्कार दोस्तों, mobile.com के इस फ्रेश एपिसोड में सत्यम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको एक ट्रिक सिखाने वाला हूं जिससे आप अपनी स्क्रीन को बना सकते हैं बेहद कमाल का। आप इस बोरिंग एल्गोरिथम से बिल्कुल परेशान हो चुके होंगे जिसमें आपको एक फ़ोन तो आता है लेकिन आप फ़ोन को उठाना भूल जाते हैं क्योंकि आप इतने ज़्यादा बोर हो चुके हैं उस स्क्रीन से, और या तो कभी कभी आप रिमाइंड नहीं कर पाते और आप फ़ोन को नहीं रिसीव कर पाते हैं। तो दोस्तों आज हम दिखाने वाले हैं आपको एक ऐसा कमाल का एक ऐप डाउनलोड करना है आपको, जिसके बाद आप ये सब कर पाएंगे। फिलहाल मैं एक दूसरे नंबर से अपने इसी स्मार्टफोन पर कॉल करके आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, स्क्रीन पर कुछ एनिमेटेड चीज़ें आ रही हैं जो कि देखने में बेहद अट्रैक्टिव लगती हैं। ये थीम के अलावा बहुत सारी ऐसी और थीम्स हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर के ऐड करने के बाद। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने स्मार्टफोन को बेहद कमाल का बना सकते हैं और इसकी जो स्क्रीन है इसको बेहद अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं, और अपने जो बोरिंग से वो पुराना लुक है उसको हम चेंज कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है इस अट्रैक्टिव स्क्रीन को पाने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, जैसा कि मेरे स्मार्टफोन में मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। इसका नाम है कॉल फ्लैश, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको जाना है यहाँ पे प्ले स्टोर में, यहाँ पर हमें सर्च करना है कॉल फ्लैश। सिंपली यहाँ पर कॉल फ्लैश ये सॉफ्टवेयर आप सामने यहाँ पे आप देख पाएंगे। दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल्ड, इसकी रेटिंग से आपको पता चल रहा होगा ये सॉफ्टवेयर कितना ज़्यादा भरोसेमंद और रिस्पेक्टिव है। या सिंपली इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको चलाना है, रन करना है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से ये काम करना है। तो सबसे पहले हमको ओपन करना है ये कॉल फ्लैश ऐप, जिसके बाद ये दिखाएगा बहुत सारी ऐसी थीम्स जिसको आप लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी थीम्स यहाँ पे पहले से प्री इंस्टॉल्ड होती हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको न्यू जो थीम है उसको इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आपको उसको डाउनलोड करना होगा। जैसे कोई भी थीम एक अगर मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे मुझको जो है इसको डाउनलोड करना होगा, तो यहाँ ये ऑटोमेटिकली आपके नेट से ये डाउनलोड होने लगेगी। थोड़ी ही देर में ये जो थीम है ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद आपसे कुछ परमिशंस ये ग्रांट कर लेता है, जिसके बाद आप इसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। तो जहाँ पर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लोडिंग लगभग कम्प्लीट हो चुकी है, आपकी थीम लोड यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप अप्लाई करने के लिए आपको बता रहा है, यहाँ पे आप सिंपली इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप कॉल करके इसको चेक कर लीजिए कि ये जो ऐप है ये काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर जो आपको ये दिखाता है कि ये वाली थीम आपने अप्लाई की है। यहाँ पर आप LED फ्लैश का ऑप्शन है, कॉल स्क्रीन का ऑप्शन है, सपोर्ट और फीडबैक, उसके बाद अबाउट। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है मैं आपको बाद में ये चीज़ इंश्योर करके रिकॉर्ड करके आपको ये बकायदा दिखा दूंगा कि LED फ्लैश भी यहाँ पे ऑन होती है। दोस्तों यहाँ पे मैं कॉल करके ये चीज़ को इंश्योर कर लेता हूँ कि क्या ये वाकई हुआ है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे कॉल करके देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेम जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉल किया है, सेम टू सेम यहाँ पे आप कॉल रिसीव भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। यहाँ पे मेरी स्क्रीन लाइट भी जो है वो थीम भी बिल्कुल अलग है, और यहाँ पे मेरे जो LED फ्लैश है ये भी जल रही है। इसे मैं बाद में वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ से फोन को रिसीव कर सकते हैं, तो जो आपका मेन लोगो होगा वो पुराना वाला लोगो होगा, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इस वजह से मैंने इस फोन को उठा करके आपको दिखाया कि यहाँ पे वाकई में कॉलिंग चल रही है। तो दोस्तों सिंपली इस कॉल को करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमें फीडबैक में ज़रूर बताइए। अगर आपको इस केस में कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।